फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 14628। हम इस फोर्थ प्रोपोर्शनल को n कंसिडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इस फोर्थ प्रोपोर्शनल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आप ध्यान से देखिए। 6 को हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू करेंगे 14 इंटू 9। तो कंप्लीट कैलकुलेशन के बाद हमें मिलता है वैल्यू ऑफ n जो है 12, विच इज़ द आंसर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ़ द कोड फॉर मदर इज़ JRK QKBU देन व्हाट इज़ द कोड फॉर फादर। अगर मदर का कोड ये होता है तो फादर का कोड क्या होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें देखा मदर के कोड को अगर देखा जाए तो m में -3 किया गया है, मतलब कि j के बाद हमें +3 करना होगा ताकि हमें m मिले, और o में +3 किया गया है, o के बाद PQR, और फिर t में -3 किया गया है, मतलब कि हमें q में +3 करना होगा, q के बाद RS फिर t, उसी तरह h में फिर +3 किया गया है, सो h के बाद HIJK। सो ये जो ये पैटर्न है हमें पता चलता है कि -3 +3 करना है, -3 +3 -3 +3। सो हम फादर में वही इसी को पैटर्न को हम इस्तेमाल करेंगे और एफ में हम -3 करेंगे, ए में +3 करेंगे, एक बाद बी सी डी आएगा, टी में -3 करेंगे तो हमें क्यू मिलेगा, एफ में -3 करेंगे तो सी मिलेगा, और एच ई आर का हमें कोड के बी यू मिलेगा। सो सी डी क्यू के बी यू आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि अगर ए को 1 लिखते हैं, ओ ए आर को 34 लिखते हैं तो रोर को क्या लिखा जाना चाहिए। सो देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन होगा। सो ए का जो अल्फाबेटिकल नंबर है वो 1 है, ओ का जो नंबर है वो 15 है, आर का है 18। तो ओ ए आर में क्या किया गया है अगर ध्यान से देखा जाए तो 15 + 1 + 18 विच इज़ इक्वल टू 34। इसका मतलब कि सारे अल्फ़ाबेट के नंबर्स को ऐड करके लिखा गया है और ए तो सिंगल है तो उसका कोड जो है 1। सो रोर में भी हम लोग क्या करेंगे कि सारे अल्फ़ाबेट के नंबर्स को हम ऐड करके लिखेंगे। तो हम आर के को नंबर को 18 लिखते हैं, ओ के ओ को 15, ए के लिए 1 और आर के लिए फिर 18। सारे नंबर्स को ऐड करने पे हमें 52 मिलता है, विच इज़ द आंसर। इस क्वेश्चन में हमें कंप्लीट द एनालॉजी करना है, मतलब कि सी डी के बाद जिस तरह जी ए आया उसी तरह पी क्यू के बाद क्या कोड आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा हमें कि सी में अगर +4 किया जाए, मतलब कि सी के बाद डी ई एफ देन जी, और उसी तरह डी में अगर -3 किया जाए या फिर ए में +3 किया जाए तो हमें ए मिलता है। सो इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे पी क्यू में, यानी पी में हम +4 करेंगे और क्यू में -3 करेंगे। पी में +4 करने पे मिलता है क्यू आर एस फिर टी, उसी तरह क्यू में -3 करने पे मिलता है NOPQ। सो द आंसर विल बी TN। इस क्वेश्चन में हमें मिसिंग टर्म निकालना है। अल्फाबेटिकल सीरीज दिया गया है AC फिर DG फिर HL फिर एक ब्लैंक और उसके बाद SY। सो हम इस पैटर्न को अपने हिसाब से अच्छे से लिखते हैं और उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि इसमें क्या पैटर्न यूज़ किया गया है। सो AC के बाद DG को लाने के लिए A में +3 करना होगा ताकि D मिले, C में फिर +4 करना होगा ताकि G मिले, फिर DJ के बाद HL को आने के लिए डी में +4 करना होगा TEFGH, देन फिर जी में +5 करना होगा एल के लिए GHIJK फिर एल। सो उसके बाद HL के बाद फिर हमें कौन सा पैटर्न यूज़ करना चाहिए। सो द पैटर्न विल बी +3 +4 +4 फिर +5 +5 फिर +6। ये जो है पैटर्न यूज़ होगा, तो हम H में +5 करेंगे और L में +6 करेंगे। तो H में +5 करने पे हमें M मिलता है और L में +5 +6 करने पे हमें R मिलता है, MR, जो कि आंसर हो जाएगा।
और इसके बाद जो पैटर्न जो यूज़ होगा वो होगा +6 +7, ताकि हमें sy मिले।